और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे। तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाकई हुई है उससे तुम गमगीन न हो, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्यामे कुफर किसे गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में है। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहाँ कत्ल ही ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते।